हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन, और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी इस वक्त, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। सैक्रल चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्टॉर्म वार्निंग, कम्युनिटी। बॉटम ऑफ द डेक है इन डिसीजन, डोर टू रोमांस। ओके, तब आपको सभी कार्ड्स नजर आएंगे। सो रीडिंग की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त कुछ ऐसी है जैसे कि मन में है कि आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, आपको मैसेज कर दें, आपकी फ़ोटो देखना चाहते हैं या पर्सनली आपको देखना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल अकेला पा रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। रह रहे के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो रह रहे के बाहर आते हैं। अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि मेरे दिमाग से ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए निकल जाएं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा इनसे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, इनडिसीजन की एनर्जी है और डोर टू रोमांस की एनर्जी है, मतलब रोमांटिक लाइफ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें ऐसा लगता है कई बार कि सब लोग भाड़ में जाएँ, चाहे कम्युनिटी फैक्टर हो, अदर सिचुएशंस हो, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सब लोग जाएं, मुझे छोड़ दें बिल्कुल अकेले, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूं या जीना चाहता हूं। लेकिन फिर इनको बहुत सारी चीज़ें घेरने लगती हैं कि अगर मैंने छोड़ दिया या मैंने इनको छोड़ दिया तो इनका क्या होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोग क्या कहेंगे। अगर लड़का है तो अपने बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, अगर लड़की है तो अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई, इस दिन के लिए पैदा करते हैं लोग, तो बहुत सारी दूर दूर की चीज़ें सोच सोच कर ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं करंट एनर्जीज़ में और इसीलिए ये बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। कितनी भी आपकी याद आए, कितना भी आप इनको सामने से भी मैसेज करो तो भी इनको ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं रिएक्शन दूँ तो दूँ क्या, कैसे रिएक्शन दूँ, मैं क्या रिएक्शन दूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन झेल रही हैं या झेल रहे हैं और डिस्टर्ब चल रहे हैं इन वजहों से। लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है और ये अपने अंदर इतनी हिम्मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकूँ, इन दौराहे से बाहर निकल सकूँ और आपके लिए, इस रिश्ते के लिए और साथ ही साथ इनके अपनों के लिए बिना दुख पहुँचाए कोई बीच का रास्ता निकाल सकूं। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं करंट एनर्जीज़ में। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। We have got Seven of Air, Queen of Water, Nine of Water, Knight of Water,
एंड सिक्स ऑफ एयर। देखिए एयर एनर्जी और वाटर एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आई है नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? आपके पर्सन इमोशनली जितना भी आपके बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा इनको एक पुश मिलेगा आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन अगर अभी तक सिर्फ इमोशनली सोचते हैं बट स्टेप नहीं लेते हैं तो एयर साइन यहाँ पर उनको एक क्विक एनर्जी है। एयर हवा वायु बहुत तेज होती है, तीव्र गति से आगे बढ़ती है, तो आपके पर्सन तुरंत से एक्शन भी लेंगे कि हाँ मुझे बात करनी है, मुझे अपनी दिल की बातें बता देनी है, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, बट मुझे उससे बात करनी है, अपनी इच्छा को पूरा करना है, मुझे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। ये जो चीज़ें हैं ना ये यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। आपके पर्सन अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन इनको पीछे ढकेल रही है उन सिचुएशन से मूव ऑन करके आपकी तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने आना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉबली 7 आवर्स, 16 आवर्स या 25 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 7 दिन के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट करें इस रीडिंग को देखने के बाद, टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इमीडिएट एक्शन में आपके पर्सन के दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं ना आपके लिए, जो भी वो मन में भरे हुए हैं, दिल में भरे हुए हैं, आत्मा में है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो बुरी सिचुएशन हो, बट वो आपसे हाइड कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें ये हाइड कर रहे हैं ना, ये सब कुछ आपके सामने रख देना चाहते हैं विद इन 7 डेज। इनको इतना पुश ज़रूर मिलेगा। विशेस फुलफिल होने के लिए जो मैसेज आया है, लेट्स क्लैरिफाई, 9 ऑफ वाटर क्यों आया है एंजल्स? इनके विश है आपके साथ शादी करना और एक ताकतवर डिसीजन ये लेना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ एंड हैरोफेंट विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी विश है कि ये आपसे अगर दूर हैं, अगर आपसे डिटैच हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप दोनों में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, तो ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं और ये आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं ताकि आप इनकी ही बन के रहें या इनके ही बन के रहें, ये इनकी विश है। 6 ऑफ एयर क्यों आया है? कहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी मैनिपुलेटिव सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, वहाँ से रिलीज चाहते हैं। 7 ऑफ एयर क्यों आया है? ये आपसे कितना प्यार करते हैं या आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं, जो कि वो आने वाले समय में ये एक्सप्रेस करेंगे, जस्टिस देंगे आपको, आपके पर्सन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हुए हैं गाइस, जैसा कि मैंने टैरो विद एम सिंह पे मॉर्निंग में बता दिया है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए हैं और सैटर्न रेट्रोग्रेड का असर क्या होगा? सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जितने भी आपने कर्म करे हैं ना उसके रिजल्ट्स का टाइम होता है। जैसे हम क्लास 1 में गए, ठीक है, तो हमने 1 में हाफ ईयरली दिया, एनुअल दिया, ठीक है, एनुअल के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हम 2nd क्लास में जाने वाले हैं या हम 1 में ही रहने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही हम जब भी काम करते हैं, अपना पूरा काम करते हैं, अपना पूरा अपना 100% देते हैं, चाहे अच्छे कर्मों में चाहे बुरे कर्मों में, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, जो करना है कर लो, लेकिन भगवान सब देखते हैं। और शनि महाराज जो हैं वो पूरे एक तरह से आप कह सकते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट पर हैं, वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं और उसके हिसाब से दंडित करते हैं। तो अगर कर्म अच्छे हैं तो उस हिसाब से रेट्रोग्रेड में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और अगर कर्म इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के या जो भी कर्म आपके उनके लिस्ट में है उसके अकॉर्डिंग वो आपको फल भी देंगे। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड में डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर कर्म,
ऐसा नहीं है कि किसी के शनि बहुत अच्छे हैं, बहुत उच्च के हैं तो उनको अच्छा ही फल देंगे और किसी के शनि नीच के हैं तो वो उनको बुरा ही फल देंगे। नो, शनि इज़ नॉट लाइक दैट। शनि का कोई लॉजिक नहीं है। शनि सिर्फ एक लॉजिक मानते हैं कि कर्म के अकॉर्डिंग आपने कैसा कैसा कर्म किया है, आपने दीन दुखियों को हर्ट तो नहीं किया है, आपने किसी दबे कुचले लोगों को परेशान तो नहीं किया है, आपने लोगों की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं की है, अपने बड़ों की, अपने छोटों की, किसी भी तरीके से। तो अगर आपने अपनी लाइफ में हमेशा सही धर्म को अपनाया है तो आपको शनि उच्च के हों, नीच के हों, कुंडली में कहीं के भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका कर्म बुरा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसी भी तरह का सडन लॉस हो सकता है। सडन लॉस इन इनकम, सडन लॉस इन जॉब, सडन लॉस इन फैमिली, सडन लॉस इन हेल्थ या वेल्थ, किसी भी तरह का आपको एक ट्रिगर मिल सकता है। तो ये भी गाइडेंस मैंने आपको दे दी। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला मैसेज है आपके लिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके हेल्प के लिए कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई मदद नहीं कर रहा, ना यूनिवर्स मदद कर रही, ना भगवान मदद कर रहे, लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपके पीछे खड़ी है। यूनिवर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। और हो सकता है कि जो आप देख पा रहे हैं वो जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आपके एंजल्स देख रहे हैं और उस हिसाब से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स को लेकर अगर आप में से कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, सब खराब हो रहा है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तो ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि जो भी होता है वो डेस्टाइंड होता है, वो चीज़ें आपके भले के लिए ही होती हैं, जो कि आपको आज से 5 साल बाद समझ में आएगा कि ओ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होती, या मैं इस सही रास्ते पे नहीं होती, या मैं इस सही पर्सन के साथ नहीं होती, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा सोचना चाहिए। भगवान अपने बच्चों को हमेशा अच्छे फल ही देते हैं, भले थोड़ा आपको जब बच्चा ज़िद करता है तो उसको नहीं पता होता कि ये चीज़ मेरे लिए ख़तरनाक है, है ना। अब बच्चा अगर किसी मिर्च के लिए ज़िद करने लगेगा हरा रंग देख के, तो माँ उसको मिर्चा तो नहीं खिला देगी ना, माँ तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, भले उसको ख़राब लगे कि मेरी माँ मुझे नहीं दे रही है, बट भगवान भी ऐसे ही होते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।